साइड पे जाओ तो पहले इंडिकेटर दिया करो ना। आज देखते हैं डेंजर ड्राइव होती क्या है, फिर देखेंगे क्या मजा आएगा, क्योंकि झूठी के एलिगेशन ना लगानी नहीं चाहिए। ये ना बोल रहे थे सारी मॉडिफिकेशन इसमें उठा देना, बट ये तो मैं उठाऊंगा नहीं इसकी। तो गाइस ये देख रहे हो छोटी सी बच्ची स्विमिंग पूल में, देखो स्विमिंग कर रही है, अभी सीख रही है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल है आप सबका, होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग ना चेक मारो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अभी ना हम जा रहे हैं बाइक वॉश कराने, बहुत टाइम से बाइक वॉश नहीं कराई थी, बाइक ना सीज हो गई थी, शाम को ही मैंने बाइक लाई है थाने से और इसकी ना हालत ख़राब थी। सुबह मैंने हल्का सा पानी डाल दिया था इसमें, अभी जा रहा हूँ मैं वॉश कराने। आज हर एक सर्विस स्टेशन पर गाड़ियाँ लगी हुई हैं, वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे ना कोई गाड़ी नहीं है। और चल रहे भाई, यहाँ तो चल, यहाँ तो दे मुझे चलने, खाली है यहाँ पर, यहीं पे लगा देंगे बाइक। भाई ये देख रहे हो बाइक की क्या हालत हो गई है। देखो नंबर प्लेट की जो टेपिंग थी वो भी उठा दी, जहाँ पे मैक्सी व्लॉग्स लिखा आया था ये भी उठा दिया, और आगे जो यहाँ पे आरपीएम पे कराई थी टेपिंग वो भी उठा ली है। ना बोल रहे थे सारी मॉडिफिकेशन इसमें उठा देना, बट ये तो मैं उठाऊंगा नहीं। इसकी नंबर प्लेट भी अप्लाई करनी है, वो मैं जल्दी कर दूंगा। इंश्योरेंस इसका ड्यू हो गया था वो भी भर दिया मैंने, अब इसका सिर्फ नंबर प्लेट का इशू है, वो भी मैं करा दूँगा जल्दी। वो देख रहे हुए अभी से थोड़ा पानी वाला डलवा देंगे और हम ना जाएँगे यहाँ से सीधे स्विमिंग पूल। यहाँ पर ना बेरवाड़ में एक स्विमिंग पूल खुला है, यहाँ पर ना गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, पहले जाएँगे स्विमिंग पूल थोड़ा सा नहा के आ जाएँगे। तो कार अब कामयार हैं, मैं कहा रोज रोज आता हूँ, करेगा काम तो ना करेगा काम फिर नहीं करेगा ना, मैं रोज आऊँगा कर फिर काम नहीं करेगा तू काम हाँ कर दे काम नहीं होगा काम हो जाएगा। ओहो कितना काम करेगा आप, 10-20 रुपए कितने में से, 70 में से 20 करेगा काम, बस हो गया। अच्छे से लगा मैं कहूँगा रोज रोज हो गया, जब तूने बोला हो गया तो हो गया, भाई ने बोला हो गया तो हो गया। ओ यार पैसे ही गिर गए अब हैं, अब मेरे को कहाँ आता है ट्रांसफर सिस्टम, ये भी लगा के क्या कर रहा है झूठी हाँ अब क्या करेंगे यार, दूसरी बार दे दे फिर हाँ, चल अब दूसरी बार दे देंगे ठीक है। बैठ फिर मोमिन, चाबी दे दे, बैठ फिर हाँ, मैं आता जाता हूँ इधर से, मैं इधर ही पीछे रहता हूँ ठीक है, मैं इधर रहता हूँ, चलो मैं फिर हैं। नहीं यार ये ले, बड़ा दिलदार है। हाँ गाइस बाइक ना हो चुकी है वॉश, बंदे को ना हम बोल रहे थे हम पैसा कम दे देंगे यार कर दे कम, कैमरा ऑफ था बोलता है यार इसमें कहाँ कम होता है, ऐसे नहीं चलता है, कैमरा ऑन हो गया बोलता है यार होगा ना कम, 10-20 रुपए कम हो जाएंगे। ये देख रहे हो बंदा कैसा था, फिर मैंने उसको झूठी बोल दिया यार पैसे गिर गए साथ में है ही नहीं, बोलता है ठीक है कल दे देना, बट हमने ना उसको पैसे दे दिए, मजाक कर रहे थे उसको हम। तो अभी जाएंगे हम यहाँ से थोड़ा सा स्विमिंग पूल, देखेंगे कैसा स्विमिंग पूल है, बहुत बोल रहे हैं स्विमिंग पूल है वहाँ पर अच्छा है, अब देखेंगे हम भी कैसा है। भाई ये देखो पहुँच गए हम स्विमिंग पूल के पास, यहीं पे लगा देंगे बाइक, इस लोकेशन को तो आप सब जानते हो, बेकार ना कॉल कर रहा था मैं भी यहीं पर हूँ, किधर है पता नहीं, यहीं है कहीं, तो अभी हम यहाँ से चलेंगे ऊपर। A few minutes later, भाई ये देख रहे हो तू मुझसे प्यार करती है कि नहीं, हम यहाँ आ गए घूमने, ये कर रहा है फोन पे बात, ये क्या दिखा रहा है, ये बहुत बिजी रहता है भाई। देखो अब अपने हिसाब से जो मर्जी हो, अपने हिसाब से हमसे तो तू करके बात करता है। तो गाइस अब पहुंच चुके हैं हम स्विमिंग पूल, जो कि हम अभी स्विमिंग पूल में नहीं है, अभी हम पार्क में, ये चेक मारो छोटा सा लौंडा, और ये देखो गब्बर, 5 साल का गब्बर देखा है, 5 साल का गब्बर किसी ने, ये चेक मारो। और वो देखो यहाँ पे ना सारे बंदे मिल चुके हैं, पर ये ना इस बंदे को मान ही नहीं रहे, जो बेचारा यहाँ पे रखा है इन्होंने, ना एंट्री दे रहे, बोल रहे कम कर कुछ,
ये मजबूर हो गया, अभी तक ना इस पे चढ़ रहे थे, इसने ना इसकी फूक भी उतार दी है, अब उधर पे बहस कर रहे हैं उसके साथ, बोल रहे हैं 50 में मान जो। गबर मानेंगे 50 में? बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये लोंडे बड़े खतरनाक है, बड़े खतरनाक लोंडे हैं। अभी जाएंगे हम यहाँ से स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल के अंदर आपको दिखा दें क्या कर रहे हैं। गाइस ये देखो स्विमिंग पूल, ये देखो एंट्री, एक कूद चुका है एक बंदा, ये देखो अभी ये आ ही नहीं रहे सारे, ये देख रहे हो साइड से बंद स्विमिंग पूल है सारा, ये चेक मारो ऊपर से भी सारा बंद है, साइडों से भी बंद है, और ये चेक मारो, इतना बड़ा नहीं है, बच्चों के लिए ही था, बट अब ये मानते नहीं है। यहाँ पे ना दूसरा स्विमिंग पूल बनने वाला है, जब तक तो वो बनेगा तब तक तो यहीं पर है, तो भी मज़ा आ रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रहा है। मोमेन आ जा, ये देखो मोमेन अभी बाहर है, साजिद अबरा वगैरह आ जा, आ जाओ भाई, ये देखो अभी ये सारे आ रहे हैं, थोड़ा मज़ा मारेंगे तो फिर हम आपसे फिर से मिलेंगे। अभी तो गाइस ये देख रहे हो छोटी सी बच्ची स्विमिंग पूल में, ये देखो स्विमिंग कर रही है, अभी सीख रही है, ये चेक मारो, ये देखो स्विमिंग कर ही जा रही है तब से, अभी तक मैं व्लॉग बना रही थी ना, इसकी भी एक दो क्लिप डाल दूंगा व्लॉग में, इसकी क्लिप जरूरी डाल दूंगा भाई, ये चेक मारो। तो अभी तक ना हमने बहुत सारी स्विमिंग कर ली, अब थक चुके हैं, बता भाई, और ये दे देगा इसके पास देना, देखो पैसे एंट्री मांग रहा है, मोमिन को दे ही नहीं रहा था बैग, ये चेक मारो दे रहा स्विमिंग पूल। अभी ना हम धूप में बैठ गए थोड़ा सा कपड़े सुखाने के लिए, बहुत थक चुके हैं अब स्विमिंग कर करके, तब से स्विमिंग कर रहे हैं, ये देखो तो लौंडा, इसको जानते हो ना, ये भी स्विमिंग कर रहे हैं, ये तब से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। तो और अभी ना हम यहाँ से चलेंगे सीधे ग्राउंड, ग्राउंड में भी थोड़ा सा बैठेंगे, इतने टाइम से ग्राउंड भी नहीं गए, 7-8 दिन से बाइक थी नहीं अपने पास, वो सीज थी। और ये देखो बच्ची को ना ठंड लग गई है, चेक मारो क्या कर रही है। A few minutes later. आज देखते हैं डेंजर ड्राइव होती क्या है, फिर देखेंगे क्या मजा आएगा, क्योंकि झूठी के एलिगेशन ना लगानी नहीं चाहिए डेंजर ड्राइव के, उस पर ना 5000 फाइन हुआ था मेरा डेंजर ड्राइव का, और बाइक ना मैं चला भी नहीं रहा था, अगर बाइक चलाता तो वो अलग बात ही, फ़ाइन भरना ही था बट मैं चला नहीं रहा था, फिर भी हुआ, चलाएंगे उतना ही होगा, नहीं चलाएंगे फिर भी उतना ही होगा, तो इससे अच्छा चला ही देंगे। मोमिन ना चुपचाप करके पीछे बैठ रहा है, ना ये बोल रहा है आराम से चल ना कुछ, चुपचाप करके बंदा पीछे बैठा है, ऐसा बंदा होना चाहिए पीछे तो चुपचाप करके बैठे, अगर बंदा पीछे से लगाता है आराम से चल डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, फिर ना बंदा कंफ्यूज हो जाता है। ये देखो मुझसे आगे भी गाड़ी वाला चल रहा है, इस पर कोई राइट ड्राइव नहीं लगता है, ओ भाई ब्रेक मत लगा दे अचानक, एक ए ड्रामे करते हैं, इंडिकेटर तब तक नहीं देते हैं, इस गाड़ी वाले का तो कसूर ही नहीं था, साइड पे जाते पहले इंडिकेटर दिया करो ना, ना इंडी वो थोड़ा मुझे कसूर है, बच जाएगी फिर भाई, यार आराम से चलना चाहिए था ना, अगर बच जाती फिर आपका भी नुकसान था। देख रहे हो बंदा क्या एरोगेंट मार रहा है आगे से, भाई गुस्सा तो करना नहीं चाहिए, चिल मारो भाई, गुस्से से कुछ नहीं मिलता है, अपना ही नुकसान है, ये मैं सीख चुका हूँ, गुस्सा ना अपनी लाइफ के लिए नुकसान है, चिल मारो, ये सब होता रहता है रोड पे, पुलिस वाले ये सब, ओ भाई रेड ड्राइव में ऐसे मज़ा आता है, आराम से चलने से मज़ा रेड ड्राइव में, पर लिमिटेड, ओवर लिमिट हो जाओगे तो ऊपर वाला अपने पास ही बुला देगा। यहीं पे बैठेंगे ग्राउंड में, हम साइड पे, ए लगा दियो बाइक साइड, वहाँ पे लगा देंगे, मैं ना डरता हूँ बाइक यहाँ पे लगाने में भी, क्योंकि मेरी बाइक को ना कभी कोई यहाँ से उठा लेता है कोई वहाँ से, ओह लॉक कर देंगे बाइक, हो जा लॉक, हो गई बाइक लॉक। ये देखो मोमिन गुस्सा कर रहा था गाड़ी वाले पे, भाई गुस्सा नहीं करना चाहिए भाई, क्यों करते हो गुस्सा, हाँ गुस्से से क्या मिलता है, इधर देखो ना क्यों करते हो गुस्से, आप गुस्से वाले बंदे हो, हाँ। तो गाइस चलो अभी हम मोटो व्लॉगिंग सेटअप सारा उतार लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं हम ग्राउंड में, ये चेक मारो ग्राउंड अभी कैसा है, ये देखो ये गुस्सा बहुत करता है आज,
ये चेक मारो, पूरा सारा सामान रखा है यहाँ पर, लगाए फ़ोन पे अभी भी। तो भाई लोग अभी ना मैं आपको बता दूंगा बाइक सीज कैसे हुई थी। मेरी बाइक ना आईटीआई के पास लगी थी, खुद मैं जिम गया था 5 बजे जैसे मैंने लगाई थी बाइक आईटीआई के पास, खुद मैं जिम गया था 7:30 में वहाँ से वापस आया। जो ही मैं आईटीआई के पास पहुँचा वहाँ ना मेरी बाइक थी ही नहीं। फिर मोमिन को एक सही था मक्की वाला, जिसके पास हमने मक्की खाई थी बाइक, तभी हमने वहीं पे रखी थी, मैंने मोमिन की बाइक उठाई थी। फिर जब उसको कॉल किया फिर वो बोलने का वो ना पुलिस वाले ली है थाने। जब थाने गए तो SHO बोलने का शाम को RC लाना, आप सुबह बाइक ले जाना। बट उसको ना पता नहीं था इसका चलान हुआ है। जब मैं सुबह गया RC लेकर वहाँ ना वो बोलने लगा या इसका ना फ़ाइन हुआ है 20,000 का फ़ाइन, बाइक सीज हुई थी 20,000 का फ़ाइन। तो फिर मैं वो लेकर घर आया, फिर मैंने वकील किया, वकील के पास वो सब दिया। बट जज ने फिर 6 दिन जज बैठा ही नहीं, मेरी इतनी किस्मत ख़राब दी। फिर जब 7वें दिन बैठा तो बाइक रिलीज़ करवा दी। तो शाम को मैंने बाइक लाई थी घर, साइड पे बाइक लगाई थी, उस पर 20,000 का जुर्माना, 5,000 तो रेड ड्राइव पे हुआ था, नंबर प्लेट पे हुआ था शायद 2,000, इंश्योरेंस पे 5,000 था, विदाउट हेलमेट 1,000 रुपये, और पता नहीं किस किस पे किया था मुझे उतना पता नहीं है, उतनी मैंने देखी नहीं लिस्ट। और मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, वो ना सारी मिसप्रिंट हुई है। चलो मैं फ़ोटो उसका चढ़ा देता हूँ, उसका ना मैंने तभी फ़ोटो लिया था, जो प्रिंट दी थी वो मिसप्रिंट हो चुकी है सारी, जो उनने वो बिल दी थी बड़ी, तो भरना तो पड़ेगा। आप देखेंगे कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा। और ये देख रहे हो साइड पे बाइक लगाई थी, इतना फ़ाइन हो गया, चलाते चलाते तो मैं पकड़ने नहीं आता, सारी कसर इसी बार निकाल दी इसकी बाइक का। हम गए थे RC लाने कोर्ट, वहीं मेरी बाइक भी फंस गई। ये देख रहे हो इसने तो निकाल दी RC अपनी, मेरी तो फंसी हुई है, आप देखें कब तक निकलेगी। तो गाइज़ आज का व्लॉग नाम यहीं पे एंड करेंगे। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कैसा व्लॉग लगा आपको। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।